नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 4 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे हम 3-3 फंदे गिने तो लास्ट में 4 फंदा आना चाहिए, 2 फंदा साइड के लिए और 2 फंदा एज स्टिच के लिए। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझे। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 1 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 2 फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा और 1 फंदा सीधा। लास्ट में 3 फंदा बचेगा तो 2 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे 2 फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे 1 फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 2 फंदा सीधा बुनना है और 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे तो 2 फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे उल्टा बुन लेंगे। अब ये हमारा तीसरा लाइन है और सामने से। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 2 उल्टे फंदों को उल्टा बना लेंगे, यानी 2 फंदा उल्टा। अब देखिए ये सीधा फंदा है, तो इसमें हम जो सिलाई में फंदा लगा हुआ है यहाँ ना बुन के एक लाइन नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो छेद बना हुआ है वहाँ, यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे और एक लूप बना लेंगे। अब जो सिलाई में फंदा लगा हुआ है वहाँ से हम एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो 2 फंदा हमने बना लिया और अब तीसरा फंदा एक लाइन नीचे से, तो हमने एक फंदे से 3 फंदा बना लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा है, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए सीधा वाला फंदा आ गया, तो पहले हम एक लाइन नीचे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। एक सीधा फंदा बना लिया, अब सिलाई में लगे हुए फंदे से एक सीधा फंदा बनाएंगे। 2 फंदा बन गया और अब एक लाइन नीचे से वापस हम एक फंदा बनाएंगे। तो 3 फंदे से, तो हमने सीधे फंदे से 3 फंदा बना लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। फिर से देखिए ये सीधा फंदा है, तो पहले हम एक लाइन नीचे आएंगे और यहाँ से एक सीधा फंदा बना लेंगे। एक बनाया, फिर सिलाई में लगे हुए फंदे से एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदा बनाया और फिर एक लाइन नीचे से वापस एक फंदा, तो हमने 1 से 3 फंदे बना लिए और उल्टे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने उल्टे फंदे को उल्टा बुन लिया और सीधे वाले फंदे से एक फंदे से 3 फंदा बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। तो यहाँ इस लाइन में हमने फंदे बढ़ा लिए।
अब हमारा ये चौथा लाइन है और अब हम क्या करेंगे, दो फंदों को उल्टा बुन लेंगे। दो फंदे हो गए। अब देखिए ये तीसरा फंदा है, यानी उल्टे फंदे का ये पहला फंदा, और ये हमने एक से तीन बनाया था, तो इसमें से हम एक फंदा लेंगे और अब इसे ऐसे पलट देंगे। अब देखिए सीधा वाला फंदा ऊपर आ गया और इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर बीच वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। और ये देखिए तीसरा फंदा, और ये देखिए सीधे वाले, इस उल्टे वाले फंदे में से एक फंदा लेंगे और सीधे वाले फंदे से एक फंदा। यहाँ पे हमने एक से तीन फंदा बनाया था तो दो फंदे बढ़ गए थे। एक फंदा हम इस उल्टे वाले फंदे के साथ ले लेंगे और देखिए एक फंदा हमने इस वाले उल्टे फंदे के साथ ले लिया, यानी इस हम लाइन में हमने दो फंदे घटा दिए। तो इसे लेंगे और दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक कर देंगे। तो हमारा वापस जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए। अब यहाँ देखिए एक ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे तीन फंदे दिखाई दे रहे हैं, तो एक सीधा फंदा और इन तीन फंदों में से एक फंदा लेंगे और इसे हम ऐसे पलट देंगे। अब देखिए ये सीधा वाला फंदा आगे आ गया है, इन दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। बीच वाला फंदा इसे यूं ही हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये तीसरा फंदा और इधर से एक फंदा, इन दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो हमारे यहाँ पे दो फंदे घट गए। फिर से देखिए इधर से ये एक सीधा फंदा है और इस उल्टे फंदों में से एक फंदा लेंगे, ये एक लिया और दो, और दोनों को ऐसे पलट लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे, बीच वाला फंदा उल्टा। अब देखिए इसे और दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। इस लाइन में हमें सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। ये हमारा मेन लाइन है, चौथा लाइन हमारा मेन लाइन है और इस लाइन में हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। और इन दोनों फंदों को भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो चौथी लाइन में हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। तो इन्हीं चारों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराते रहना है। पहला फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं तीन फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। यहाँ से हमारा पहला लाइन वापस शुरू होता है। चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं चारों लाइनों को हमें दोहराते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, चार लाइन का रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।